subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. Hello friends, मैं हूं चंचल और आपके लिए लेकर आई हूं ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक स्टडी। जैसा कि हाल फिलहाल के ट्रैक के अंदर दिखाया गया कि एक तरह से कार्तिक और नायरा दोनों ही कायरव को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि कायरव उनके लिए ही फैसला लेगा। जहाँ पर कायरव अपनी बातें सुन लेता है नायरा की और सोचने लगता है कि आखिरकार ये कस्टडी का मतलब क्या होता है और मेरे मम्मी पापा इस बात को लेकर क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जहाँ पर वो कोशिश करता है वंश से इस बारे में जानने के, लेकिन वंश कहता है कि उसको भी कुछ नहीं मालूम है। जहाँ पर आने वाले एपिसोड की बात की जाए तो आप देखेंगे बहुत ही बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि शो के अंदर आप देखेंगे कि नए शख्स की एंट्री हो जाएगी। जी हाँ, जैसे कि हाल फिलहाल की ट्रैक में दिखाया गया कि वेदिका कार में बैठी थी और उसके सामने एक बाइकर आया। बाइकर का टैटू देखकर और बाइकर को देखकर वेदिका बहुत ज्यादा घबरा गई और बाइकर वेदिका का पीछे करने लगता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि कोर्ट रूम के अंदर बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला है। जिस हंगामे के अंदर इस बार कार्तिक अपनी नायरा का सपोर्ट करेगा, क्योंकि दामिनी उसके ऊपर कीचड़ उछाड़ती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि कार्तिक दामिनी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गोवा से लीजा को भी बुलवाने वाला है। लीजा ही वो शख्स है जो कि जानती है दामिनी ने चोरी से नायरा की रिपोर्ट चुराई है। अब ऐसे में देखना भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अगर कोर्ट रूम के अंदर लीजा की एंट्री होती है तो उसके बाद कहानी कितनी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वेल, आपकी क्या राय है इस बारे में अपनी कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल 24/7 ऑनलाइन न्यूज की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.